Hello everyone, I am Dr. Shamail Anjum, DWT College, Kanpur. So students, today we will learn about one of the learning theories, Thorndike's Stimulus Response Bond Theory. Thorndike ka Uddipak Anukriya Anubandh Siddhant. Dusre shabdon mein, ise hum Thorndike ka Sambandhvad ya Sanyojanvad Siddhant bhi कहते हैं, थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म। तो स्टूडेंट्स, ये सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के बारे में क्या बताया है? सिद्धांत का अर्थ क्या है? पहले हम ये जानेंगे। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को सीखता है तो उसके सामने एक उद्दीपक होता है जिसका कार्य उस व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करना है। तो इस प्रकार एक विशिष्ट प्रतिक्रिया और एक विशिष्ट उद्दीपक आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। अतः इस संबंध को उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहा जाता है। थॉर्नडाइक का इस सिद्धांत के विषय में क्या कहना था, उन्होंने किस प्रकार से इस सिद्धांत की व्याख्या की है, हम ये जानेंगे। उसी से हमें स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये सिद्धांत हमें क्या बताता है सीखने के बारे में। तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, Learning is connecting. The mind is man's connection system. Thorndike का ऐसा मानना है कि सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का आवश्यक रूप से विभिन्न मात्राओं में संबंध होता है और ये संबंध स्नायुमंडल, हमारे नर्वस सिस्टम में इसलिए स्थापित होता है क्योंकि इसमें विशिष्ट उद्दीपक और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि जब भी हम कोई कार्य करना सीखते हैं तो उसके लिए जब हमारे समक्ष कोई विशिष्ट उद्दीपक आता है तो हम एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया करने लगते हैं और उसी के माध्यम से ही उस कार्य को करना सीखते हैं और जिसकी वजह से उस विशिष्ट उद्दीपक और उस विशिष्ट प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है और यही सीखना है। यही थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया सिद्धांत है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियोरी ऑफ लर्निंग है। अब अपने इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए थॉर्नडाइक ने कई प्रयोग किए और उन प्रयोगों के फलस्वरूप ही उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने अपने जो प्रयोग किए वो ज़्यादातर पशुओं पर और जिसमें से बिल्लियों पर ये प्रयोग ज़्यादा किए। तो अपने इस सिद्धांत के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें एक बिल्ली को उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया। वो बिल्ली भूखी थी, उसको खाना नहीं दिया गया और पिंजरे के दरवाजे में एक बटन लगा हुआ था जिसको दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल सकता था। तो थॉर्नडाइक ने पिंजरे के बाहर भोजन रखा और बिल्ली के लिए वो भोजन क्या था, उद्दीपक था, एक स्टिमुलस था क्योंकि वो बिल्ली भूखी थी, इसीलिए उसके सामने वो भोजन एक उद्दीपक का कार्य कर रहा था। तो बिल्ली ने उस भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया स्टार्ट कर दी, यानी कि उस उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया होना शुरू हो गई। और वो प्रतिक्रिया क्या थी कि बिल्ली ने हाथ पे अपने पंजे चलाने शुरू किए और कई बार उसने प्रयास किया कि वो उस भोजन को
प्राप्त कर ली, लेकिन असफलता होने पर उसने हार नहीं मानी और कई बार बाहर निकलने का प्रयास वो करती गई। और इसी प्रयास में एक बार अचानक उसका पंजा बटन पर लग गया, जिससे वो बटन दब गया और दरवाज़ा खुल गया। थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग कई बार किया और इस प्रयोग के फलस्वरूप, इस प्रयास के फलस्वरूप बिल्ली एक बार में ही बटन दबाकर दरवाज़ा खोलना सीख गई। तो हम ये देखते हैं कि एक इस उद्दीपक और प्रतिक्रिया, इनमें संबंध स्थापित हो गया। उद्दीपक क्या था? भोजन। और प्रतिक्रिया प्रयास के फलस्वरूप बटन दबा के दरवाज़ा खोलना। तो धीरे धीरे जब कई बार बिल्ली ने वो प्रयास किया तो धीरे धीरे उन प्रयासों के फलस्वरूप त्रुटियों में कमी आने लग गई और लास्ट में वो बिना कोई त्रुटि किए, बिना कोई मिस्टेक किए बटन को प्रेस करके दरवाज़ा खोलना सीख गई और फिर उसके बाद उसने अपना भोजन प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार से हम मनुष्यों पर भी जब सीखने की बात करते हैं तो इस सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं कई चीज़ें सिखाने के लिए। जैसे अगर हम बालक की बात करें तो बालक चलना, बैठना, अपने शूज़ पहनना, चम्मच से खाना, ये सारी क्रियाएं सीखता है। और अगर वयस्क की बात करें तो वयस्क लोग ड्राइविंग सीखते हैं, गेम्स टेनिस क्रिकेट ये सब खेलना सीखते हैं, टाई बांधना, ये सारे काम वो इसी सिद्धांत के अनुसार ही सीखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप ये देखो कि इस सिद्धांत में क्या कहा गया है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि जब व्यक्ति किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करता है और लगातार प्रयास करने के बाद उन त्रुटियों की संख्या कम हो जाती है तो उससे क्या होता है, इस स्थिति को हम प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखना कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, थियोरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। इसी के साथ इसे सीखने का संयुक्त संबंध सिद्धांत, बॉन्ड थियोरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर आप सपोज साइकिलिंग सीख रहे हैं तो साइकिलिंग में या ड्राइविंग सीख रहे हैं तो उसमें आप लोग बार बार प्रयास करते हैं। अगर आपको सीधा एक टेक्निक बता दी जाए कि इस तरीके से साइकिल चलानी है या इस तरीके से ड्राइविंग करनी है तो क्या आप एक बार में चलाने लग जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और वो परफेक्शन लाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बार बार उस कार्य को करने की, प्रयत्न करने की या प्रयास करने की ज़रूरत है, तभी आप उस स्किल को अच्छे से सीख पाते हो, उसमें दक्षता या निपुणता आ सकती है जब आप बार बार उस कार्य को करने की प्रैक्टिस करते हो। तो चाहे वो आप ड्राइविंग सीख रहे हो या कोई स्पोर्ट सीख रहे हो या कुछ, या फिर आप टाइपराइटर पर टाइपिंग करना भी सीख रहे हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे उससे आपकी त्रुटियों में कमी आने लगती है और आप एक बार में ही उसे फिर करना सीख जाते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तो ये हो गया थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया संबंध सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के क्या गुण हैं ये हम जानेंगे। तो अगर इनके गुण या विशेषताओं की बात की जाए तो पहला इसका गुण यही है कि इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने अपने तीन नियमों का प्रतिपादन किया, सीखने के तीन नियम। कौन कौन से नियम थे? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ प्रैक्टिस, एंड प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। इन तीनों ही नियमों का प्रतिपादन
इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति प्रयास के माध्यम से एक उद्दीपक अगर प्रस्तुत किया जाता है तो वो सीख सकता है जल्दी। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत, अगर हम इसके अगली विशेषता की बात करें, तो ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सीखना एक असंबद्ध प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, गत्यात्मक है, डायनामिक है, ज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव है और भावात्मक भी है, यानी अफेक्टिव है। इन सारे अंगों का पुंज है, सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट इस सिद्धांत की विशेषता ये है कि ये सिद्धांत उद्दीपक और प्रतिक्रिया, इनके संबंध को समझने का एक आधारभूत कारण मानता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं में जितना अधिक संबंध स्थापित कर लेता है, वो उतना ही अधिक बुद्धिमान हो जाता है, उसमें उतना ही अधिक चीज़ों को, उस कार्य को करने की कुशलता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जो इसका एक गुण है, मेरिट है, कि ये सिद्धांत शिक्षण में भी प्रेरणा को महत्व देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि हम क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उस टाइम पर हम बच्चों को प्रेरित करते हैं किसी कार्य को सीखने के लिए, जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है उसको लर्न करने के लिए अगर हम प्रेरित करते हैं, तो बच्चे उसको जल्दी सीख जाते हैं। प्रेरित होकर के उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नवीन सीखने का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत से सीखने की क्रिया को एक वैज्ञानिक आधार मिला है। अब हम इसके दोष की बात करेंगे। इसमें कुछ कमियां हैं इस सिद्धांत में, और वो क्या कमियां हैं? तो पहली कमी तो इसमें यही है कि ये सिद्धांत सीखने की विधि को बताता है, लेकिन सीखने के पीछे के कारण नहीं बताता, उसे स्पष्ट नहीं करता, उसे नहीं समझता। अगली जो इसमें कमी है वो ये है कि जब एक कार्य को किसी एक विशिष्ट विधि से एक बार में ही सीखा जा सकता है, तो बार बार प्रयास करना व्यर्थ है। कुछ चीज़ें तो हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लाइक ड्राइविंग है और स्विमिंग है या टाइपराइटिंग है, और भी चीज़ें हैं जिनमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम टेक्निक पता होने के साथ साथ हमें उसमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें बार बार उसमें अभ्यास की भी ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें अगर हमें सीधा सीधा उसकी विधि पता चल जाए, तो हम उस कार्य को एक ही बार में कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी उन्होंने अपना जो प्रयोग किया बिल्ली का, उसमें अगर सीधा सीधा बिल्ली को बता दिया जाए, या अगर हम व्यक्ति की बात करें तो सीधा सीधा व्यक्ति को बता दिया जाए कि हाँ ऐसे दरवाज़ा खुलेगा, या कोई भी कार्य करने का तरीका बता दिया जाए कि ऐसे ये कार्य हो जाएगा, तो सिंपली वो हो जाएगा। उसमें उसको फिर प्रयास करके उस कार्य को सीखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, इससे टाइम वेस्ट होता है, और यही इसका एक अन्य दोष भी है कि ये सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है, और जिसके कारण क्या होता है कि सीखने में समय बहुत अधिक नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट इस सिद्धांत की कमी ये है कि ये सिद्धांत सीखने की क्रिया को यांत्रिक बना देता है, मैकेनिकल बना देता है, उसमें मानव के विवेक, उसके चिंतन, इन सारे गुणों की अवहेलना कर दी जाती है, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। अब हम बात करेंगे कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है।
क्योंकि अभी भी ये सिद्धांत शिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है और जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ हम इस सिद्धांत को प्रयोग में ला रहे हैं। अब पहला इसका जो शिक्षा में महत्व है वो ये कि इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। जब बच्चे बार बार प्रयत्न करते हैं तो उनमें धैर्य उत्पन्न होता है। जब तक उनको सफलता नहीं मिल जाती, जब तक वो पूरी त्रुटियां करना समाप्त नहीं कर देते, तब तक वो प्रयास करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं और इससे उनमें धैर्य और परिश्रम जैसे गुणों का, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट जो इसका शिक्षा में उपयोगिता है वो ये कि इस सिद्धांत से अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। यानी हम जब बार बार चीज़ों को करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो वहाँ हमें क्या होता है, एक्सपीरियंस मिलता है और उस एक्सपीरियंस से हम सीख पाते हैं। उसी एक्सपीरियंस से सीखने की क्षमता ही हम में विकसित होती है और इससे हम क्या, इससे हम में एक और गुण विकसित हो पाता है वो ये कि भविष्य में यदि हमारे समक्ष कोई ऐसी परिस्थिति आती है या विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वहाँ पर भी हम अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर उन परिस्थितियों का डट कर मुकाबला कर पाते हैं, सामना कर पाते हैं। अगला जो इस सिद्धांत का महत्व है वो ये कि बड़े लोगों में और मंद बुद्धि बालकों में के लिए ये सिद्धांत बहुत ही अधिक उपयोगी है। बड़े बच्चे हैं तो उनको अगर हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, लाइक मैंने बताया कि स्पोर्ट्स में कोई चीज़ सिखा रहे हैं या स्विमिंग है, ड्राइविंग है या कुछ भी इस तरह की चीज़ सिखा रहे हैं तो वहाँ पर भी ट्रायल एंड एरर थ्योरी काम में आएगी। और अगर हम मंदबुद्धि बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे कौन से बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि बच्चों की IQ लेवल बहुत ही लो होता है और उनको सीखने में बहुत अधिक समय लगता है। आप जब कोई चीज़ उनको सिखाते हैं तो आपको वो चीज़ें बार बार बतानी पड़ती हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप कई बार उनको बताते हैं तब भी उनको समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में ये सिद्धांत लाभदायक सिद्ध होता है ऐसे बच्चों को सिखाने में। नेक्स्ट जो इसकी उपयोगिता शिक्षा के क्षेत्र में है वो ये कि ये सिद्धांत बालकों में परिश्रम के प्रति एक आशा का संचार करता है। जब बच्चे परिश्रम करते हैं और उनको उसमें सफलता प्राप्त होती है, जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है और फिर वो बगैर किसी की हेल्प के, पीछे से मम्मी ने या ब्रदर ने, सिस्टर ने, किसी ने पीछे से साइकिल पकड़ रखी है और धीरे से जब वो छोड़ देते हैं और हम उस साइकिल को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी की हेल्प के, तो उस सफलता, वो सफलता हम में एक आशा का संचार करती है और हमें सीखने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरीके से ये सिद्धांत बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है। नेक्स्ट जो इसका शिक्षा में उपयोगिता है वो ये कि ये सिद्धांत गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों को भी सीखने में बहुत अधिक सहायक है। गणित में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हो, विज्ञान की अगर हम बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पर भी आपको कई जगह पर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में भी, ऐसी जगहों पर भी इस सिद्धांत की बहुत अधिक उपयोगिता है। नेक्स्ट जो इस सिद्धांत की उपयोगिता शिक्षा के क्षेत्र में है वो ये कि ये सिद्धांत करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। यानी आप इस सिद्धांत पे, इस सिद्धांत के अनुसार जब सीखते हैं तो बार बार उस कार्य को करते हैं, आपके समक्ष उद्दीपक होता है और आप बार बार उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं और उन विभिन्न प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जब धीरे धीरे त्रुटियों में कमी आने लगती है तब ऐसी स्थिति आती है, ऐसी कंडीशन आता है जब आप बगैर किसी त्रुटि को उस कार्य को करना सीख जाते हैं। तो वो कार्य आप खुद करके सीखते हो और जो कार्य
स्वयं करके सीखा जाता है वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन रहता है और आप उसको फिर जल्दी नहीं भूलते हो। तो खुद करके सीखना इस सिद्धांत पर भी करके सीखने सिद्धांत पर भी हमें ये सिद्धांत सहायक है। नेक्स्ट जो इसकी उपयोगिता शिक्षा के क्षेत्र में है वो ये कि ये सिद्धांत भूल और प्रयास के माध्यम से समस्या समाधान पर बल देता है। यानी किसी भी समस्या का समाधान हम करने हेतु हम भूल और प्रयास के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। अब नेक्स्ट जो इसकी उपयोगिता वो ये है कि इसमें हमने बात करी है अभिप्रेरकों की। वो अभिप्रेरक क्या हैं? वो अभिप्रेरक ही उद्दीपक हैं, वो अभिप्रेरक ही अभिप्रेरक मोटिव्स जो हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करते जो हमें मोटिवेट करते हैं किसी भी कार्य को सीखने के लिए या फिर करने के लिए। तो वो अभिप्रेरक क्या हो सकते हैं? पुरस्कार हो सकता है, प्रशंसा हो सकती है, दंड भी हो सकता है। तो इन सब का सीखने में या अधिगम में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और ये उद्दीपक का कार्य करते हैं, ये स्टिमुलस का कार्य करते हैं और जिससे प्रेरित होकर के हम उस कार्य को करने की हमें चेष्टा जागृत होती है, तत्परता आती है और हम फिर उस कार्य को प्रयास बार बार प्रयास के फलस्वरूप सीख पाते हैं। अब नेक्स्ट जो सिद्धांत है ये हो गया आपका भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला सिद्धांत जो है वो है पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, पावलोव कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी। इसका दूसरा नाम है पावलोव का शास्त्रीय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, या इसे हम पावलोव का अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, या शास्त्रीय या संस्थापित अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो आपके अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे पावलोव की थ्योरी के बारे में। थैंक यू।